अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं AWTN अब्बास वानी ट्रेनिंग चैनल। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं एक स्पेशल एबलेट के होनहार काबिले तरीन अयाज साहब है, जिसका एक इंस्टीट्यूट है श्री कुफवारा में, जहां स्पेशल एबलेट कई दफ़ा आए कई दफ़ा गए और बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर गए हैं। अयाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तशरीफ़ लाया है AWTV के साथ। आप अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बताइए, आपका जो बायोग्राफी है बायोडाटा है वो बताइए, पूरा शेयर कीजिए आज कुछ शॉर्ट समय में सर। थैंक यू अब्बास साहब। असल में जो मेरी ज़िंदगी कठिन गुजरी है, एक डिफरेंट चैलेंजेस मेरे लाइफ में आए हैं, लेकिन हिम्मत हमने नहीं हारी है। सही, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने कुरान में ये दर्ज किया है कि अगर मैंने इंसान को एक कमी रखी है, लेकिन उसके बदले उसको मैंने लाखों गुण दिए हैं, जिससे वो दुनिया में एक आला मुकाम पैदा करे। सही। मेरी स्कूलिंग जो हुई पहले अपने गाँव से ही हुई है, उसके बाद गाँव का नाम सर अकूरा मटन, अकूरा मटन अनंतनाग। उसके बाद हायर सेकेंडरी में मटन में ही है, तो फिर कॉलेज खनाबल में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स में मास्टर्स किया और दो बार मैंने मेन्स IAS लिखा है। मेन्स IAS, यस। तो अल्लाह के फजल करम से जिस पोजिशन पर इस वक्त मैं हूँ, तो मैं वो जबान कहाँ से लाऊँ, मैं अपने रब की तारीफ करूँ। मेरा एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट चल रहा है जिसका नाम नाइस सेकेंडरी स्कूल श्री गुफारा है, जहाँ पर इस वक्त एटलीस्ट 550 बच्चे ज़ैर तालीम हैं। स्पेशली एबल होने के नाते भी कम से कम मेरे एम्प्लॉज 40 वहाँ पे हैं, जिनको मैं रोज़गार पैदा करता हूँ। ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे मेरे इसमें कोई ईगो नहीं है, बल्कि मैं उन बच्चों को बोलता हूँ जो अपनी डिसेबिलिटी को सामने ला के कुछ अपने आप को कम समझते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के जितने भी स्पेशली एबल्ड बच्चे बच्चियाँ जो जिनको जिनके जहन में कि हम कम है किसी से, वो सबसे आगे हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक इम्तिहान डाला है, लेकिन इम्तिहान के साथ साथ एक हुनर भी उसमें उन्होंने उसमें डाली है कि अगर आप अपने आप को पहचानोगे, आप एक नॉर्मल इंसान को पीछे छोड़ोगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो जिस बच्चे तक पहुंचेगा, वो इसको बड़े गौर से देख के फिर अपने जो डिसेबिलिटी है उसका एक ओबस्टैकल ना बनाए, बल्कि अपनी जिंदगी में वो आगे जाए। चलो, बात तो आपने सर छेड़ी है कि इंस्टीट्यूट की, आपके वहाँ बच्चे हैं, एकोमोडेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? वहाँ एकोमोडेशन ए क्लास है, बी क्लास है? देखो भाई, जनरल है सर। देखो भाई, जो मेरा स्कूल है वो श्री गुफारा में, श्री गुफारा नाइस सेकेंडरी स्कूल श्री गुफारा। मैं आपको एक पहली बात बताऊँ कि पहली बार मेरे स्कूल ने वहाँ पे हिस्ट्री रखी है, 494 ये मैट्रिक के एग्ज़ाम है दिए हैं, हिस्ट्री रखी मैंने दुष्टिपुरा, फिर 495, फिर 496, ऐसे ही मेरी हिस्ट्री वहाँ पे चली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रेपुटेटेड स्कूल वहाँ पे है, एवरीथिंग इज अवेलेबल दिया। कोई वहाँ आना चाहते हैं स्पेशली एबल्ड पर्सन जो भी होगा, तो इनका जो तालमेल कांटेक्ट नंबर आप बता दीजिए। अगर आप देखोगे कि हर हम कैप्शन में भी लिखेंगे, जब ये एडमिशन का सीजन होता है, हर साल में हम 2% रिजर्वेशन स्पेशली एबल्ड के लिए, 2% रिजर्वेशन ऑर्फन्स के लिए, ऑर्फन के लिए। यस, उसके साथ साथ जब जॉब अपॉर्चुनिटी का निकलता है वहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि अगर कोई स्पेशली एबल्ड बंदा आना चाहता है वहाँ पे एज ट्यूटर, वेलकम, बट देयर आर सम लिमिटेशन, मतलब ट्यूटर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए या काबिल होना चाहिए, नो डाउट उसके डिसेबिलिटी की कुछ परसेंट हम देंगे, लेकिन ओवरऑल क्राइटेरिया तो अलग है। हाँ, ट्यूटर है, उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट वी विल ऑब्जर्व दैट वेरी पर्सन एज ट्यूटर दियर। सही सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लोकेशन आपने कंप्लीट नहीं बताई है। नाइस सेकेंडरी स्कूल श्री गुफारा बिजबिया। तो अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर लीजिए अपने व्यूअर्स के साथ। 6005979183। आई एम द चेयरमैन ऑफ दैट वेरी स्कूल एंड आल्सो वी आर गोइंग टू अपग्रेड दैट वेरी स्कूल एज अप टू हायर सेकेंडरी लेवल एट हायर सेकेंडरी लेवल इन अनदर प्लेस। नेम ऑफ द स्कूल सर? नेम ऑफ द स्कूल नाइस सेकेंडरी स्कूल श्री गुफारा। इसके साथ साथ हमने एक मिशन चलाया है पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए। सही, वो थम नहीं जाएगा इंशाल्लाह, हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन हासिल करके ही एकदम नहीं। सुनने में आया था कि ये जो स्पेशली एबल्ड है, हैंडीकेप्ड कहिए या डिसेबल्ड पर्सन कहिए, क्या बहुत काफी सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पड़ रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया है या एडमिनिस्ट्रेशन क्या मैं बोलूँ, हमें सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी तबाही किया है, क्योंकि हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। देखो, हमारा पेंशन अभी बंद है बच्चों का 1000, आप देखिए बाकी स्टेट्स की तरफ देखिए 5000
आधे स्टेट में, बाकी स्टेट में किसी स्टेट में 2000, किसी स्टेट में 3000, लेकिन ये कश्मीर वाहिद ड्यूटी है जहाँ पे 1000 है, वो भी इनको वक्त पे नहीं मिलता है। तो एनहेंस के हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं? भाई जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है इनके लिए स्पेशल ट्रैक। और दूसरी बात एज रिलैक्सेशन देखिए, एक एक्स सर्विस मैन को इन्होंने 48 अपर एज में रखा है, आपके स्पेशल भाई को 42 रखा है, तो ये शर्म की बात है। अब मैं मुझसे और मत बलवाइए, लिहाजा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इनको सिखाएंगे हम भी किसी से कम नहीं, इंशाल्लाह रहमान हम इनको लड़के देंगे अपना हक। अगर ये ऐसे नहीं देंगे तो एक आतिशबाजी पहाड़ की तरह हम फट जाएंगे, फिर इनका जिम्मेदार जो आने वाली सरकार। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सीनियर साथी जो एजुकेशन से वाबस्ता है, अयाज साहब। अयाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने AWT चैनल के साथ अपना रابطہ बनाया, बाकी शुक्रिया।